हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड। तो अभी है फ्रेंड मॉर्निंग का टाइम और सुबह के बज रहे हैं अभी 4:45। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, आपने सुना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मतलब कि आज मम्मी के यहाँ पे कब्रिस्तान से जुलूस वगैरह निकलता है और आज है ईस्टर, तो मतलब कि गुड फ्राइडे होता है फ्रेंड हमारे यहाँ पे। और गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं फ्रेंड। तो हम इसको ईस्टर के रूप में मतलब यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, मम्मी के यहाँ पे बनाया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे से हम कब्रिस्तान जाएंगे और उसके बाद वहाँ से जुलूस वगैरह निकलता है फ्रेंड। तो उसकी वीडियो भी मैं डालूँगी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं डालूँगी, छोटी सी ही डाल पाऊँगी क्योंकि फिर कोई वॉच नहीं करेगा फ्रेंड। तो देखूँगी जहाँ तक कोशिश होगी। तो अभी फ्रेंड बस माही को और उठा देती हूँ, और दीदी रेडी हो गई है तो माही को उठा देती हूँ और उसके बाद चलते हैं फिर हम। ओके, और मिलूँगी मैं आपसे। तो भाई मन को भुलाने वाली एक बात है कि Oh,
आ गए हैं चर्च में से और जुलूस वगैरह में से और टाइम हो गया फ्रेंड अभी 7:30 बज चुके हैं फ्रेंड और ब्रेकफास्ट वगैरह सब वहीं पे ही था तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम आ गए हैं घर। उसकी क्लिप वगैरह मैंने नहीं बनाई है फ्रेंड और अभी हम हो रहे हैं रेडी क्योंकि दोबारा से चर्च जाना है, 9 बजे का चर्च है फ्रेंड। तो अभी रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड अब हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं सब चर्च। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि सब रेडी हो गए हैं, यहाँ पे बच्चे भी और भी हैं। ताई जी की बेटी, बड़ी सिस्टर है मेरी, कज़न सिस्टर, और ये है मेरी बहन। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड। और ये साड़ी मैंने फर्स्ट टाइम वेयर करी है और कम से कम शायद 1-1.5 साल से रखी हुई है। और ये मीशो से ही ऑर्डर करी थी फ्रेंड मैंने, तो आप चाहें तो आप भी परचेस कर सकते हैं फ्रेंड। तो काफ़ी अच्छा और कम्फर्टेबल है फ्रेंड। तो मिलती हूँ फ्रेंड थोड़ी देर बाद, ओके।
आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नया जन्म देता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनको सामर्थ देता है, विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने में बच्चों की सहायता करेंगे। क्या वचन देते हैं अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने आचरण के और अपने मार्गदर्शन के द्वारा इन बच्चों की सहायता करेंगे, ताकि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाए वे परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना करते रहे, वे बाइबल का प्रार्थना करेंगे। सब चलेगा, गर्मी हो रही है ना। तो फ्रेंड अभी आ गए हैं घर और टाइम हो चुका है कम से कम शायद 12:30 बज चुके हैं फ्रेंड, और अभी आए हैं बस घर पे, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ही। और अभी बनाएंगी मम्मी खाना वगैरह, तो अभी देखते हैं। हमारा खाना तो खैर ताई वगैरह नहीं बनाया है, तो वही बनाएंगी और मम्मी भी बनाएंगी खाना, तो दोनों तरफ ही खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। और माही यहाँ पर अभी खेल रही है। माही क्या हो गया बेटा? और फ्रेंड बच्चों को चर्च में नींद आई जा रही थी, क्योंकि ना रात को हम बहुत लेट सोए थे, और बच्चे सोए थे 1:30 बजे और हम सोए थे 2:30 बजे करीब, और सुबह उठना था फ्रेंड 4 बजे तक, 4:30 बजे, क्योंकि कब्रिस्तान वगैरह जाना था फ्रेंड। आज के दिन हमारे यहाँ कब्रिस्तान वगैरह भी जाते हैं मम्मी की, हाँ मतलब की, तो इसलिए फ्रेंड बच्चों को चर्च में नींद आई जा रही थी और मुझे भी आ रही थी, मतलब फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए घर आ गई थी फ्रेंड, क्योंकि पीहू को थोड़ी सी मतलब कि तबीयत ऐसी हो रही थी, तो इसलिए मैं घर आ गई थी। और फिर आधे 1.25 घंटे बाद मैं गई थी घर, वो चर्च गई थी, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि वीडियो नहीं बना सकते हैं, मतलब अजीब से थोड़ा फील होने लगता है जब प्रेयर वगैरह होती है, तो फिर भी मतलब थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ले ली है फ्रेंड। और ठीक है, तो फ्रेंड मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और कपड़े वगैरह चेंज करूँगी शायद, अभी पक्का नहीं पता, देखती हूँ। और फ्रेंड उसके बाद से अभी मिल रही हूँ आपसे, पूरा दिन हो गया आज तो बस ऐसे ही निकल गया, और मैं आपसे मतलब मिली थी शायद 12:00-1:00 बजे करीब बात हुई थी बस 1:30 बजे, और उसके बाद से अब बात हो रही है 9:00 बजे रात के। और अभी फ्रेंड मतलब ताई जी की बेटी थी वो तो चली गई अपने घर, और मैं भी कल परसों जाऊंगी शायद, देखती हूँ 1-2 दिन में जाऊंगी मैं भी, क्योंकि फ्रेंड 1-2 काम है मेरे तो वो करने हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड, बच्चे हैं छोटे और उनको छोड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि घर में कोई और है नहीं फ्रेंड, तो इसलिए अभी यहाँ पर आई हूँ तो मम्मी के पास छोड़ के चली जाती हूँ। और मतलब 1-2 काम है मेरी आई साइड, मतलब कि नंबर शायद बढ़ गया है, तो वो भी चेकअप कराना है, तो उसका टेस्ट वगैरह देखती हूँ, जाऊँगी कराने के लिए कल वगैरह, तो वो चश्मा वगैरह भी बनवाना है फ्रेंड मुझे दूसरा, क्योंकि नंबर बढ़ गया है मेरा थोड़ा सा इसलिए। तो अभी फ्रेंड मतलब बस अब खाना वगैरह खाएंगे रात का, अभी ऐसे तो भूख वगैरह नहीं लग रही बिल्कुल ही फ्रेंड, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो गर्मी में तो बस पानी पीते रहो या नींबू पानी सिकंजी वगैरह लिक्विड चीज़ों से ही पेट भर जाता है, बस खाना वगैरह खाने का तो मन ही नहीं करता फ्रेंड, गर्मी ना सच में बहुत बेकार है, इससे अच्छा तो ठंडी सही लगती है। गर्मी तो वैसे सबको ही बहुत बुरी लगती है फ्रेंड, और ज़्यादातर तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, और दिल्ली में तो फ्रेंड इतनी ज़्यादा है, बस मुझे पता नहीं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही है दिल्ली में, अपने यहाँ मुझे इतनी नहीं फील होती है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही है। और फ्रेंड एक बात और कहनी थी आपसे, मतलब मैं माइक आई हुई 2-3 दिन हो गए हैं फ्रेंड मेरे को, और मैं मतलब ज़्यादातर वीडियो वॉच नहीं कर पा रही फ्रेंड, क्योंकि जब घर में आते हैं तो फ्रेंड कज़न वगैरह भी आई हुई है, मेरी 2 कज़न हैं तो वो भी मतलब आ जाते हैं, मिलते जुलते हैं, और भैया भाभी वगैरह सब है जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम फ्रेंड, तो इसलिए सबसे मिलते जुलते हैं बातचीत करते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता फ्रेंड वीडियो वॉच करने का, और यहीं नहीं फ्रेंड हम कहीं भी जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता कि हम वीडियो वॉच कर सकें, बट थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को वॉच करते हो, मेरी वीडियो पे आते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और इतना सपोर्ट करते हो फ्रेंड, ये सपोर्ट हमेशा मेरे लिए बनाए रखना। और जो भी मेरे मतलब कि जिनकी वीडियो पे मैं नहीं जा रही, बहुत से फ्रेंड है जो नहीं आ रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि वो मेरी वीडियो पे नहीं आ रहे तो मैं भी क्यों जाऊँ, बट ऐसा नहीं है, मैं जब भी फ्री होंगी या जब भी अपने घर जाऊँगी तो उनकी वीडियो को ज़रूर वॉच करूँगी फ्रेंड, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना फ्रेंड, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके फ्रेंड। तो मिलती है एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।